ऑन करते हैं अब अपनी हायाबुसा। ओ, पानी की लहरें, पानी की वो आ रही है बूंदे। बस अब निकलने की तैयारी है। और मौसम है बहुत ज़्यादा ठंड का, तो चलाने में आ रहे हैं मज़े। गर्मी लगने वाली है नहीं बिल्कुल भी। मेरे घर से सब कुछ 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। बस एयरपोर्ट भी 5 मिनट की दूरी पे है। ये रही हायाबुसा। पार्क करना था वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या कि मैं इस वाले पार्किंग लॉट में घुस गया। मुझे लगा कि यहाँ पे एबीसी टाइटल होगा, तो मुझे लगा या फिर ये कनेक्टेड होगा, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। तो मैंने यहीं पे मोटरसाइकिल पार्क कर दी। हम तो एक वॉक पे भी जा सकते हैं वहाँ पे। मोस्टली तो कनेक्टेड ही होता है ना पार्किंग लॉट। हाँ, मोस्टली सारे पार्किंग लॉट्स कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे लगा ये भी कनेक्टेड होगा। हम यहाँ पे ज़्यादा आए नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। आ जाओ चलो। तो ये होता है यहाँ का एबीसी टाइटल, जो जैसे डीएमवी की तरह होता है। तो केवल मुझे लगे 5 मिनट, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 5 मिनट में मेरे लाइसेंस के अंदर एड्रेस भी चेंज हो गया, नया लाइसेंस मिल गया, अब हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम जा रहे हैं, थोड़ी सी राइड बाकी है, पूरी राइड कर लें। यही है, यहाँ की एक बात अच्छी यही है कि बस काम बहुत फटाफट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी, समय बहुत कम लगता है। क्यों, बस लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, जाएंगे अपनी बाइक को उठाएंगे, निकलेंगे बस सीधा लेक। आजकल करंट लगता है बहुत ज़्यादा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत डर लगता है मेरे को तो। जहाँ देखो टक 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 करंट लगता ही रहता है सर्दियों के मौसम में। मैं तो गेट हाथ भी नहीं लगाता इसी चक्कर में, खासकर आयरन की चीज़ें। काम हो गया, फटाफट निकल रहे हैं। ये रही हमारी हायाबुसा। रिकॉर्डिंग शुरू। किशोरी अपने हेलमेट के साथ, लो किशोरी फ़ोन पकड़ो, और मेरा वॉलेट, पता लगे मोटरसाइकिल चलाते चलाते उड़ जाए। हो गया काम, नया लाइसेंस गया। चले? चलो चले? हम लोग जाएंगे आज शॉर्टकट से, आइटन से पहुंच जाएंगे। पहले हम वैसे यूजली अंदर ही अंदर जाते हैं, लेकिन आज आइटन से निकल रहा हूँ मैं। रोड बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, एकदम खाली, पता नहीं क्यों, ये COVID-19 का ही असर है अभी तक। मजा आ गया, मजा। ये होता है असली मजा। आया मजा किशोरी? मेरे को भी बहुत आया, चला के मजा आ गया, एक एनर्जी फील होती है। सारी ठंड निकल गई, यही तो है मजा असली बाइक राइड का। मजा आ गया, मजा। Thank you.
देखिए आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आज, जैसे कि भैया ये आ गया स्कूल जोन 20 माइल, और ये है कैमरा। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर 20 माइल से ऊपर चला दिया तो भाई टिकट सीधा घर पे। तो इन सब चीज़ों का बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आराम आराम से चलाओ। जहाँ देखो स्कूल जोन मतलब स्कूल का टाइम है, इस समय जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं उस समय स्कूल जोन होता है। मतलब आपको 20 माइल जो भी रिक्वायरमेंट है जिस रोड की, जो स्पीड लिमिट है उस हिसाब से चलाना है। मतलब वैसे तो 35 स्पीड लिमिट है इस रोड की, लेकिन स्कूल जोन पे जब स्कूल टाइमिंग होता है तो उस समय फ्लैश करती है लाइट, तो उस समय हमारे को 20 माइल के ऊपर जाना नहीं है। तो ये सबसे ख़तरनाक टाइम होता है एक्चुअली मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी वाड़ी कुछ भी चलाने का, क्योंकि ये जो स्कूल टाइमिंग होती है, अगर आपने बाई चांस जरा सा भी थोड़ा बहुत चूक कर दी और गलती से आप स्पीड में निकल दिए तो आपकी तो हो गई गलती, मगर वो गलती का जो हर्जाना होगा ना वो घर पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ये नहीं कि अपनी मस्ती में निकल लिए बिना देखे, जैसे ये फ्लैश कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ना, एंड हो गई स्कूल जोन खत्म। हरियाली ही हरियाली हर जगह पे। मोस्टली यहाँ पे सारे घर रेज्ड ही होते हैं, मतलब उठे हुए होते हैं, एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा मौसम है आज, बस थोड़ी सी ठंड है, मगर वो तो हमने जैकेट थोड़ी भी हल्की पहन ली आज। ऐसा नहीं, दिस एरिया टू लिव इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये लेक के बहुत पास है। जैसे ये आपको दिख रहा है जो एलिवेटेड एक ब्रिज है, ये जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो नज़ारा आएगा जैसे कि समुद्र है, लेक, दैट्स अ लेक पोंचो ट्रेन, सेम लेक जो आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा है। रिवर और लेक में कन्फ्यूज मत होना, एक तो मिसिसिपी रिवर है, दूसरा है पोंचो ट्रेन लेक, और यहाँ पे हम जो जा रहे हैं ये है लेक। देखो अब नज़ारा, क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। लहरें लहरें देख रहे हो, लहरें किशोरी, हाँ बहुत खतरनाक लहरें हैं। देखिए 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 सब देखो भाई, क्या लहरें हैं यार। चलो यार यहाँ पे थोड़ा रुका ही जाए, वैसे तो प्लान नहीं था रुकने का, लेकिन रुकना पड़ेगा यार, जो लहरें हैं ना ये हमेशा आती नहीं है ऐसी। ओ सूरज ढल चुका है,
शाम हो चुकी है, बस हम लोग और 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे घर। अब साला जहां पे दिखे जगह निकालो, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। ये मेरे दोस्त विपिन के लिए, विपिन टंकी किस दिन आएगा तो इसी टंकी में बैठेंगे दोनों भाई, हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त। जब मैं वृंदावन में था तो हम लोग टंकी के ऊपर बैठा करते थे, ऐसी एक पानी की टंकी थी। आ गए हम घर।